हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बाजार सब बढ़िया है, अब सो के उठा हूँ। और सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, सब घर पे रहो। जुमा मुबारक, तो आप देखते चलो क्या होता है। तो गाइस, मैं फाइनली सो के उठ गया हूँ, अभी छत पे आ गया हूँ और सब बढ़िया। मैं आज अपने वहाँ गाँव घर से नज़ारा दिखाता हूँ कैसे दिखता है, तो चलो देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर गाँव से घर से ऐसे कुछ ऐसा कुछ दिखता है, दूर दूर तक कुछ भी नहीं। सुबह के टाइम कुछ ही हमारा गांव है जो भी बहुत छोटा है। ये जो दिख रहा है गाइस, ये हमारा बगीचा है। जैसे कि आपने देखा हमारा गांव, वह नज़ारा अभी और कुछ दिखाने वाले हैं जो कि बहुत ही यूनिक है, बहुत अलग सा है, देख के बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो फाइनली गाइस, हम वहाँ आ गए हैं जो आपको बहुत ही अच्छा नज़ारा दिखाने जा रहे हैं, जो देख के आपको मज़ा आने वाला है, बल्कि बहुत अच्छा है। इसीलिए यहाँ से जो चलो तो देखते हैं। जी के देखो गाइस, ये सूरज निकल रहा है। यहाँ से जो भी दिखाया बगीचा, ये तालाब है और जो मैं बैठा हूँ, ये देखो गाइस, ये हमारा गांव, ये बहुत दूर दूर तक पूरा खाली खाली दिखता है। जो सबसे अलग चीज़ है वो उस जो मेरी उंगली के सामने दिख रहा है, वो यहाँ से 1 किलोमीटर दूर पे है मार्केट है हमारे गांव से, जो कि आज हम वहाँ जाने वाले हैं। गाइस देखें, आप मेरा गांव से 1 किलोमीटर दूर पे मार्केट है, वहाँ जाऊंगा मैं और आप लोग को दिखाऊंगा और आप लोग वीडियो पे बने रहें। जैसा कि गाइस मैं देख रहे हो, अपने पुराने वाले घर पे आ गया हूँ। अपनी मम्मी का मैं पीठ दबा रहा हूँ, मेरी मम्मी का पीठ दर्द हो रहा है। गाइस, मम्मी के पीठ दबाने के बाद आ गए हैं फिर से हम नए वाले घर पे। अब जा रहा हूँ मम्मी के लिए पानी रखने, क्योंकि ठंड यहाँ बहुत भी गाँव में बहुत ठंड होता है, इसलिए मैं आया हूँ पानी लगाने। तो फाइनली गाइस, मैं आ गया हूँ फिर से नए वाले घर पे। मेरा दो घर है, एक पुराना वाला उधर, ये जो नया वाला बना है इधर, इधर मैं रहता हूँ। तो फाइनली गाइस, मम्मी ने कहा था कि पानी गर्म करने के लिए रख दो, तो मैंने गर्म पानी रख दिया है और दिखा देते हैं। ये मैंने पानी रख दिया, अभी तो मैं हाथ डाल देता हूँ उसमें, तब तो मेरा क्या हो जाता। आज मैं पूरा दिन क्या करता हूँ आप लोग को बताऊँगा। और यहाँ से कैसा सीन दिखता है, ये जो एक दरवाज़ा हमारे घर के पीछे, जो तालाब, बहुत ही अच्छा सीन दिखता है यहाँ से, आपको पीछे से दिखाते हैं। जैसा से देखो तो गाइस, कैसा है ये सीन, ये सूरज निकल रहा है यहाँ पर अभी, जो कि बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा सीन बनाता है। और यह हमारे घर के पास जो तालाब है, ये हमारे घर किसान बढ़ाता है। ये पेड़ देखो, ये पेड़ कैसे इसके अंदर दिख रहे हैं, जो कि बहुत ही अनोखा सा लग रहा है, बहुत अलग सा लग रहा है। पूरा सुबह का माहौल ही ऐसा होता है गाइस, कि किसी का ही मन दहल जाए कुछ ऐसा सीन देख के। ये सबसे अलग, मुझे सबसे अच्छा सुबह सुबह ये लगता है गाइस में आके। वैसे मैं सो के 12 बजे उठता हूँ गाइस, लेकिन आज ये मेरा पहला ब्लॉग है यूट्यूब का, इसलिए मैं वो सुबह उठता हूँ और जल्दी उठूँगा, वीडियो बनाऊँगा। आज माता जी बहुत परेशान करती हैं सुबह सुबह, आज माता जी का थोड़ा तबीयत ख़राब है इसलिए। चलो ठीक है, तो आज क्या क्या होता है गाइस मैं बताऊँगा, आप लोग को दिखाऊँगा। गाइस आज बहुत बड़ा नुकसान हो गया सुबह सुबह ही। मम्मी आई, देख रही हैं खेत का पूरा, ये इसमें भिंडी सब्जी लगा हुआ था, सब गायों ने सुबह सुबह आके चर लिया, रात में चरा, कोई जान नहीं पाया। तो गाइस देख सकते हैं कैसे पूरा खाइए, एक भी नहीं छोड़ी, एक भी पेड़ ना छोड़ी, ये पूरा का है। वो आ गई, उनका रिएक्शन देखते हैं कैसा है। दादी रो, कब दबा के रो, देख सारा मेहनत पानी मिल गए। गाइस फाइनली
बहुत काम करने के बाद मैं बगीचे में जा रहा हूँ अब थोड़ा काम से, तो चलो चलते हैं। ये मेरा घर, ये तालाब, ये कैमरा मैन। और मैं खड़ा हूँ बगीचे के बाहर, चलो चलते हैं बगीचे के अंदर। बाप रे बाप, लाओ कैमरा मुझे पकड़ा दो, तुम भी अंदर आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जैसा कि मैं आ गया हूँ बगीचे के अंदर, ये देख सकते हैं नींबू लगा, नींबू इसमें आया नहीं है पर आम आया हुआ है, बहुत सारा आम आया हुआ है। आज सुबह सुबह एक तो प्याज नुकसान हो गया, ऊपर से लगता है मेरा पैर नुकसान हो गया, बच गया। तो मैं आ गया हूँ बगीचे के अंदर, ये मेरे पीछे पेड़ देख रहे हो, मैं हूँ, और ये नींबू का पेड़ है, और ये बगीचा जो मेरे घर से दिखता था, जो कि सीन देखो कैसा आ रहा है, बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत सारी चिड़िया बोल रही हैं। तो गाइस ये आम का पेड़, देखते हैं आम आया कि नहीं आया, चलो देखते हैं। तो गाइस देख सकते हैं ये अभी आम बहुत छोटा छोटा है, आम बड़ा होगा जैसे जैसे मैं वीडियो बनाऊंगा दिखाऊंगा बगीचे में आके। बहुत सारा पेड़ है, मतलब जो सुकून मिलता है बगीचे में सुबह के टाइम, वो चिड़िया बोलती है आके बैठो यहाँ पे, ये देखो गाइस ये कितना बड़ा आम देख सकते हैं। तो क्या बोले बोल रहा था, वो बगीचे में सुकून सच्ची में, सुबह सुबह का टाइम जो मौसम होता है गांव में बहुत ही अच्छा होता है। पेड़ के नीचे आके बैठो, चिड़िया बोलती चहकती है, उनका आवाज़ सुन के मतलब अलग ही टाइप का मज़ा आता है, जो कि आप समझ सकते हैं। गाइस ये देखो चिड़िया उड़ रही है, ये पेड़ के ऊपर बैठी हुई है। और बगीचे में आने से एक फ़ायदा हो गया, क्योंकि आज मेरा जो दतून था वो ख़त्म हो गया है, तो आज मैं इसमें से दतून तोड़ूंगा। पेड़ काफ़ी ऊंचा है तो मैं चढ़ूंगा इस पर, तो चलो देखते हैं कैसे तोड़ता हूँ। अभी दतून मिल गया है, दतून करने जा रहे हैं, आओ आगे आओ, आम दिखाओ, ये दिखाओ आम, आम लगा बहुत सारा। क्या बोलते बगीचे में घूमने साढ़ता है कहीं नहीं आएगा, जब सहरिया में लोग रहते हैं ना, कल जाते हैं पिज्जा बर्गर खा के आ जाते हैं, तो हम सबसे पहले बगिया में आते हैं, दतून तोड़ते हैं, फिर करते हैं। तो ये घूम लेते हैं सुबह, शादियाँ में जब मंजना करते हैं हम लोग, या कभी आवा का तोड़ लेंगे कभी ना, देख सकते हैं। अब मैं जा रहा हूँ बगीचे से घर पे, मम्मी का कॉल आ गया था और वो कुछ खेल रहा है, बस तो यही ये छोटा सा बगीचा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, वहीं आते हैं कभी कभार। अभी जब बाहरिया रहते थे, ये पहला वीडियो हुआ है तो हम बता दें, और आता रहेगा वीडियो, देखते रहिए आप। चलो चलते हैं घर पे।